अम्मू जान, अगर मुझे ये मालूम होता कि दरिया पर आपके इशारे खत्म होंगे तो मैं हरगिज पानी का शिकवा आपसे न करती। और उनके साथ साथ ये हुसैन की सवारी है, ये वो दुल्हन है जो अपने आका के साथ प्यासा रहा और जब अपनी ढली हुई सी और कटी हुई कांखों के साथ दरे खेमा पर हुसैन की खबरे शहादत देने आया होगा तो सकीना ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर इतना जरूर पूछा होगा कि ऐ रहमान, मेरे बाबा को कहाँ छोड़ा, अब मैं किसके सीने पर सोऊंगी। अब्बास के अलम और हुसैन की सवारी के बाद अब शहजादियों की सयाह हमारियों की शबी का इस्तेमाल कीजिए। ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम की अमारियां हैं, हुसैन की वो बहनें जिन्होंने कर्बला में 72 दाग उठाए, कड़िया जवान अली अकबर की लाश पर मातम किया, जिनके बाजुओं पर अभी तक नील के निशान उतरे हुए हैं, जो फातह कूफ और शाम है लेकिन रौज़ाए रसूल की तरफ देखकर उम्मे कुलसूम ने यह जरूर फरियाद की होगी कि ऐ नाना के मदीने, हमें कबूल न करना। जब हम चले थे तो हमारी गोदियां भरी हुई थी और हमारे सरों पर बारिशों का साया था, लेकिन आज हम क्यों वापस आ रहे हैं कि ना हमारे साथ मर्द हैं और न बच्चे, बस एक तनहा आबिदे बीमार हैं। हमारी गोदे खाली हो चुकी हैं और हमारे सुहाग उजड़ चुके हैं। और जब ज़ैनब को माँ की कब्र नजर आई होगी तो आंसुओं के बांध टूट गए होंगे, माँ की कब्र से लिपट कर फरियाद की होगी कि अम्मा, आपकी ज़ैनब बड़े दुख झेल कर रही है, बेमखनौ चादर दर बदर फिराई गई, और अम्मा अगर नामों का मजबा न होता तो मैं आपको अपनी पीठ दिखाती जिस पर ताजियानों के निशान उभरे हुए हैं। लेकिन अम्मा, ज़ैनब फिर भी आपसे शर्मिंदा है कि कर्बला में आपके लाडले हुसैन को खोकर आई है। मेरा दिल कहता है कि कब्र फातिमा से जरूर आवाज आई होगी, मेरी बच्ची ज़ैनब, मैं तो कर्बला से कूफा और कूफे से शाम के जिंदान तक तुम्हारे साथ थी। ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज़ के पीछे ये बानुए दिलगीर की सवारी है, ये भी कर्बला के तपते हुए रेगज़ार में अपने सारे लाल खोकर आ गई। बीबी, हम आपको कड़ियल जवान अली अकबर का पुरसा दें या नन्ही सी जान अली अकबर का पुरसा पेश करें? अभी तो आपकी गोद की गर्मी भी खत्म न हुई होगी, आप रातों को अभी अपने शशमाहे की याद में जाग पड़ती होंगी। बीबी, आपके सब्र इस्तक़लाल पर हम सोमवार आपको सलाम अर्ज करते हैं। बानुए दिलगीर की सवारी के बाद ये उस फिज़ा की हमारी आ रही है जिसने फातिमा के साथ चक्की पीस पीस कर हुसैन को पाला था, हर मंजिले मसाइब पर साथ रही, सबका दाग अपने दिल पर उठाती रही, लेकिन जब अपनी शहजादी फातिमा की कब्र पर पहुंची होंगी तो कब्र से लिपट कर जरूर फरियाद की होगी।